आप ही शुरुआत कीजिए, बड़े हैं आप। अरे छोटे हो, छोटे को मौका मिलना चाहिए। हमेशा बड़े ही बोलते रहेंगे तो छोटे कब बोलना सीखेंगे। देखिए कितना समर्पण है इनमें, बिल्कुल, और प्यार है इनका, हमेशा सदैव रहता है, हमारे ऊपर नहीं सबके ऊपर रहता है। अनुभिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। और अब आते हैं, कम टू द पॉइंट, आज हम लोग गोरखपुर में हैं, सहजनवा में, और हम है त्योहार दुल्हा। तो टाइटल तो बड़ा प्यारा है और ऑडियंस के भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि हम है त्योहार दुल्हा का, भी दुल्हा बहुत लाइन से लाग बैठे हैं, है ना, कई दुल्हा है, कई दुल्हा है, इसका दुल्हा है, हाँ हाँ, और दुल्हा भी बहुत सारी हैं, तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन किसकी किसका दुल्हा है। और बहुत प्यारी टाइम अपना बता दीजिए, आप लोग किसके हम लोग हैं? नहीं, हम लोग तो दुल्हा हैं क्योंकि हमारे बच्चे अब दुल्हा बन गए, हम लोग तो बुढ़ा गए, हमारे दो नहीं तुम नहीं, अच्छा ओके, इनको मतलब इनका लड़का लड़की नहीं दिखाया गया, इनकी बहन दिखाई गई है, मतलब एक नायिका इनकी बहन है फिल्म में, तो और मेरे दोनों बेटे जो हैं वो नायक हैं, विशाल सिंह और मुन्ना जी, मुन्ना यादव, तो और दिलीप जॉन जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, व्यास मुनि सिंह जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और लोकेशन जो है ना ये बड़ी प्यारी है, आज मौसम भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा दिया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी से राहत मिली है, और उसी में लगता है कि फिल्म भी ये बड़ी राहत भरी बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म के लिए ये कहना चाहूँगा कि आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है, और दिलीप जी के साथ इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में मैं किया हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, पहले कैमरामैन थे और अब एज अ डायरेक्टर कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर आदमी को प्रोग्रेस उन्नति करने का मादा रखना चाहिए, और वो है इनमें, और अच्छी फिल्म, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने पहले की फिल्में बनाई थी, अच्छी फिल्म बनाई थी, और ये भी फिल्म अच्छी बनाएंगे। देखिए दोनों हीरो के साथ डिसमिसिव तो दोनों हीरो के साथ होगा, क्योंकि जो है दोनों हीरो, कोई क्या होता ना, हीरो चार है, वो आखिर में मिल ही जाते हैं, मिलते ही हैं, तो अपन अकेले ही सामना करता है भाई, शेर काफी अकेले ही काफी है। नहीं नहीं वैसे बहुत फिल्मों में पॉजिटिव भी है अयाज खान, ऐसा नहीं है, हीरो का भी रोल किया है, लेकिन किरदार तो डायरेक्टर के ऊपर है कि वो क्या देता है आपको, तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। इसमें इनकी जो मतलब दुश्मनी हमसे होती है वो इनकी बहन के कारण होती है, और कोई दुश्मनी इनसे पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन बहन के कारण इनकी ऐसा ट्रैक है इसमें, तो उसकी वजह से हो जाती है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा बड़ा स्टोरी में घुमाव है, पब्लिक को कंफ्यूज होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने स्टोरी सुना है, अभी दिलीप जी ने सुनाया मुझे, अच्छी स्टोरी है, कोशिश होगा कि इस अच्छी स्टोरी को अच्छी तरह से शूट किया जाए और दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अच्छे ढंग से कैसे हैं धर्म, अच्छा माहौल है, गाँव में हम लोग शूट कर रहे हैं, गाँव के लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, सहयोग है, और नहीं तो कहीं जगह इतनी भीड़ हो जाती है और भीड़ हटती भी नहीं, यहाँ की तो ऐसा बहुत लोकेशन बहुत प्यारी है, आप कैमरा घुमाएंगे दिखेगा खपड़ाइल के इतने अच्छे अच्छे मतलब मकान है जिनको इतने साल से मेंटेन किया गया है, नहीं तो आजकल जाते हैं तो इतने अच्छे मकान नहीं मिलते देखने को खपड़ाइल वाले, तो बड़ा अच्छा है, गाँव भी बहुत खुला खुला है, एकदम बहुत अच्छा माहौल है, हमें लगता है कि हम लोग का काम यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। हाँ क्योंकि पब्लिक का भी सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ वो है, लोकेशन भी प्यारा है और यहाँ के लोग भी प्यारे हैं। बिल्कुल, प्रोड्यूसर साहब से ज़्यादा वार्ता नहीं हुई है, हम लोग कल मुहूर्त में मुलाकात हुई थी उनसे, तो बहुत सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं हमको वो, और शायद उनकी ये पहली फिल्म है, मुझे आइडिया नहीं है, तो उनसे मिलना जुलना अभी बातचीत होगी, आज पहला दिन है शूटिंग का, आगे हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, बात होगी तो अगली बार हम आपको बता पाएंगे कि प्रोड्यूसर साहब के बारे में क्या राय है, अभी राय काम नहीं कायम नहीं की है हमने कोई भी। फिल्म अच्छी है और थोड़ी हटके है, जो आम लव स्टोरी पिक्चर बन रही हैं तो उनसे थोड़ा ये हटके है, और एक पीरियड मतलब 70-80 का दशक लिया है दिलीप जी ने इस फिल्म में, तो उस समय क्या क्या चाल चलन पहन और मतलब रीति रिवाज था, धोती पे आ गए देखा, नहीं नहीं धोती तो बहुत फिल्मों में पहनते हैं, अभी गांव में ये चल रहा है, अच्छा, लेकिन ये नहीं, ना के बराबर चल रहा है, फिल्म बना रहे हैं इसमें 70-80 का जो रिवाज मतलब शादी ब्याह ये वगैरह थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा पता लगा है, तो ये अच्छी बात है। फिल्म तो मोस्टली अभी पारिवारिक बन रही है, नहीं पारिवारिक में थोड़ा सा ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है और थोड़ा सा सस्पेंस है, हाँ हाँ सस्पेंस इसमें बहुत है कि पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन भाई कहूँगा ट्रेजेडी है सस्पेंस है, तो पब्लिक को मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पारिवारिक फिल्में बहुत बन रही हैं, तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, अलग उससे थोड़ा सा अलग हटके,
और समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो कुछ दिलीप जी ने परिवर्तन किया है राइटर के साथ बैठ के, कोशिश अच्छी है और कोशिश करेंगे कि इस कोशिश को अच्छी तरह कार्यान्वित करें और इस फिल्म को दर्शकों तक पहुँचाएँ। यह एक और सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गौरव और खुशी की बात है निरहुआ जी कांटे की लड़ाई लड़ते हुए जीत गए। अरे क्या बात है, ये तो मतलब कहने की बात नहीं, हम सबके लिए गौरव का क्षण है। हमारे तीन तीन नायक मतलब इस समय माननीय सांसद हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, बहुत गौरव की बात है। और दिनेश जी ने पिछली बार भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और इस बार लड़ के उन्होंने सफलता पाई है। और अयाज जो बगल में बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, उनके चुनाव प्रचार में संजय पांडे जी, अयाज खान, सुशील सिंह, समर चतुर्वेदी, एक हम लोग का जो ग्रुप है एंटी हीरोज, उसके उदय भगत जी, ये लोग ने बहुत मेहनत की और मेहनत का नतीजा दिखाई दे रहा है। ये लोग चिलचिलाती धूप में मतलब दिनेश जी के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहे, तो ये बहुत खुशी की बात है। दिनेश जी को आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपना ये जो कार्य मिला है, उनको कार्यभार, उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करें। सच कहा गया है कि जो मेहनत करता है, और एक बात और, मेहनत करता है, मेहनत तो सभी करते हैं, जिससे पूछे सब बोलता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम, लेकिन मेहनत कितने दिल से करते हो वो मायने रखता है। बिल्कुल, काम हर व्यक्ति करता है, कैसी है और नीयत कैसी, काम हर आदमी करता है लेकिन काम कितने तरीके से करो वो मायने रखता है। तो दिनेश जी ने और हम सभी ने इस प्रचार को और इस लड़ाई को बड़े मन से और दिल से लड़ा, गलियों गलियों में है ना, घर घर में जाके सबसे मिल के, हम लोगों ने कहा कि आपने बहुत मौके दिए, हमें भी एक बार मौका दीजिए, हम दिखलाएंगे कि क्या होती है देश का विकास, क्या होता है गांव समाज का विकास। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दो साल में बहुत परिवर्तन आएगा। और हमने जो वादा किया है, हमारे सांसद, हमारे बड़े भाई दिनेश जी ने जो वादा किया है, वो बखूबी उस पर खड़े उतरेंगे और जनता हमें फिर से बुलाएगी।